मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू चैप्टर 4 फ्रॉम बॉम्बिंग एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज लैंडस्केप ऑफ द सोल एंड स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज रिटन बाय नेथाली टोबराय एंड In the previous lectures, we have read that the author has given a description of a Chinese painter named Wu Daozi, who lived in 8th century. And again, the author also gave the description of Quentin Matsys, who became one of the famous painters of his time. And basically, the author wants to put before us the comparison between the Chinese painting and the European painting. So children, today we are going to start from the 5th paragraph. Now see the book. The author tells us that a classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting. तो देखिए ऑथर हमें बताना चाहती हैं कि जो वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग है, जो पश्चिमी प्रतीकात्मक चित्र उनकी तरह क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप, जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप हैं उनका चित्र हमारे सामने एक एक्चुअल व्यू प्रस्तुत नहीं करता है, एक वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं करता है. इट डज नॉट प्रेजेंट बिफोर अस द एक्चुअल व्यू. वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आई एंड लुक एट ए पार्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही साइ फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. Again, giving a comparison between the Chinese and European painting, the author wants to tell us. Okay, the author tells us that the Chinese painter does not present the actual view of the landscape, but on the other side, whereas the European painter wants you to borrow his eyes, जबकि दूसरी ओर जो European painter है वो चाहता है कि आप उसकी आँख लेकर उसकी दृष्टि से किसी landscape को किसी विशेष दृष्टिकोण से ठीक उसी प्रकार देखें जैसे वो दिखाना चाहता है या जैसे वो स्वयं देखता है. मीनिंग दैट बाई वी कैन से द यूरोपियन पेंटर वांट्स टू प्रेजेंट बिफोर अस द एक्चुअल व्यू ऑफ द लैंडस्केप. फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट. लेकिन जो चाइनीज पेंटर है वो कोई सिंगल व्यू पॉइंट को भी सिलेक्ट नहीं करता है. चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज इवन अ सिंगल व्यू पॉइंट. हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट. तो देखिए द पेंटिंग ऑफ द लैंडस्केप
created by a Chinese painter is not a real one, according to the author. लेकिन लेखक के अनुसार जो चाइनीज पेंटर के द्वारा बनाया गया लैंडस्केप का जो चित्र है वो रियल नहीं होता, दैट इज नॉट रियल, वो वास्तविक नहीं होता है. एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रेवल इन इट, और आप इसमें किसी भी पॉइंट से प्रवेश कर सकते हैं और उसमें यात्रा कर सकते हैं. द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन ए लेजरली मूवमेंट. अब देखिए कहता है कि द पेंटिंग ऑफ द लैंडस्केप दैट इज मेड बाई द चाइनीज पेंटर इज नॉट रियल वन. चाइनीज पेंटर के द्वारा जो बनाया गया लैंडस्केप का चित्र है वो रियल नहीं होता है, और आप इसे उसमें किसी भी पॉइंट से किसी भी तरफ से उसमें प्रवेश कर सकते हैं, फिर उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं. और जो आर्टिस्ट है वो आपकी आंखों के लिए एक रास्ता बनाता है ताकि आप उसमें ऊपर नीचे घूम सकें और वह फुर्सत से लौट आए, एंड देन यू कैन कम बैक इन लीजरली मूवमेंट कंफर्टेबली. यू कैन कम बैक टू इट क्वाइट कंफर्टेबली. दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉराइजेंटल स्क्रॉल इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू दी अदर एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग. द ऑथर वांट्स टू टेल अस कि यह एक हॉराइजेंटल स्क्रॉल हमारे सामने प्रस्तुत करता है. इट प्रेजेंट्स बिफोर अस ए हॉराइजेंटल स्क्रॉल और जिसके विषय में और भी सत्य है, जिसमें किसी भी पेंटिंग किसी भी चित्र के एक भाग के खोलने का कार्य है, फिर इसे लपेटकर दूसरे भाग में जाने से समय का आयाम जुड़ जाता है. एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम इट एड्स ए काइंड ऑफ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो कि एक ऐसा चित्र है जो कि अन्य किसी प्रकार के चित्रों में देखने को नहीं मिलता. इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, लेकिन इसमें व्यूअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन आवश्यक होता है. इट रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्सन हु लुक्स एट इट हु सीज इट हु डिसाइड्स एट वॉट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, जो कि इस बात को डिसाइड करता है जो कि इस बात का निर्णय लेता है कि वह चित्र में किस पेस से किस गति से भ्रमण करेगा ट्रेवलिंग करेगा. ए पार्टिसिपेशन वो चीज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, एक ऐसा पार्टिसिपेशन जो कि फिजिकल और मेंटल दोनों ही. इट रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ए व्यूअर दैट इज क्वाइट फिजिकल एज वेल एज मेंटल. Again, the author tells us, the Chinese painter does not want you to borrow his eyes. जो Chinese painter है on the other side, Chinese painter ये नहीं चाहता. Chinese painter does not want कि आप उसकी आँखों से देखें. Because he does not present before us the actual viewpoint of the landscape.
ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो केवल ये चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें, उसके माइंड में एंटर करें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, एंड वट एवर लैंडस्केप दैट इज क्रिएटेड बाई हिम इज एन इनर वन। अब देखिए, जो लैंडस्केप उसके द्वारा बनाया जाता है, जो जमीन के भाग का चित्र या जो लैंडस्केप जो भूभाग उसके द्वारा बनाया जाता है वो आंतरिक है, ए स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एंड कंसेप्चुअल स्पेस और वैचारिक क्षेत्र। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। तो देखिए, वॉट एवर लैंडस्केप इज क्रिएटेड बाई द चाइनीज पेंटर, द ऑथर वॉन्ट्स टू टेल अस दैट दिस लैंडस्केप इज इनर वन, स्पिरिचुअल एंड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। सो चिल्ड्रन, वी शैल डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।